communicate six functions, real functions पे वर्क किया था, ग्राफ पे वर्क किया था और डोमेन रेंज निकाला था. आज हम लोग बात करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन की. एक्सपोनेंशियल फंक्शन में सबसे पहले आपको समझना होगा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन इस फॉर्म में रिप्रेजेंट, यहाँ पे हम a को एक कांस्टेंट एज्यूम कर रहे हैं, x यहाँ पे वेरिएबल या बेसिकली फंक्शन है, x वेरी करेगा तो फंक्शन भी अपनी वैल्यूज वेरी करेगा. अब कैसे वेरी करेगा ये डिपेंड करेगा a पर. हम लोग टू केसेस कंसीडर करने वाले हैं. इन द फर्स्ट केस हम a को कंसीडर कर लेते हैं. a को जनरली हम लेस देन जीरो कंसीडर नहीं करेंगे. एक तो हम जीरो से वन के बीच में इसको कंसीडर कर सकते हैं और एक तो वन से ग्रेटर कंसीडर कर सकते हैं. टू पॉसिबिलिटीज हैं a के a से रिलेटेड. इधर हमने पहला केस लिया, जीरो से वन के बीच में लिया, मतलब ये वन बाय टू, वन बाय थ्री, वन बाय फोर कुछ ऐसा फॉर्म लेगा. इसकी वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, वन बाय टू, वन बाय फोर, वन बाय टेन, इस टाइप की वैल्यू ये होल्ड करेगा. और ऐसे केस में यदि एक्सपोनेंशियल फंक्शन को बनाया जाए तो फंक्शन क्या फॉर्म लेगा ये हम समझ लेते हैं. फंक्शन कुछ ऐसा फॉर्म लेगा, जैसे जैसे आप इंक्रीज करते जाओगे एक्स को वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी. क्योंकि एक्चुअल में मैं बोलता हूँ 1 by 2 to the power x, तो उसका मतलब है 2 to the power minus x. और ये एक तरीके से equivalent हो जाएगा e to the power, लेकिन यहाँ पे e की वैल्यू आप कह सकते हो e to the power x के equivalent हो जाएगा. एक तरीके से ये क्या है, 1 divided by e to the power x. इस केस में भी वैल्यू a हमारा 1 by e है. What does it mean? a 1 by e होना मतलब e की अप्रॉक्स वैल्यू हमने सीखा था 2, 3 के बीच में लाई करती है, 2.72 अप्रॉक्स हम रिज्यूम करते हैं, 1 by 2.72 वो भी लेस होगा 0 से, सॉरी 1 से, 0 से 1 के बीच में. तो कई बार हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन में e की पावर माइनस x को बनाना होता है तो वो भी कुछ ऐसा फॉर्म ही लेगा. तो फिर डिफरेंस क्या है 1 by 2 के ग्राफ में और 1 by 4 की पावर x की ग्राफ में और इसके ग्राफ में? बिग डिफरेंस है वैल्यूज का. ये ग्राफ ऐसा है तो दूसरे ग्राफ ऐसा हो सकता है. तो दिस बिट डिफरेंस अकर्ड ड्यू टू देयर वैल्यूज. मैं आपसे बात करता हूँ 1 बाय 2 की पावर x, तो 1 पे तो सप्लाई करेंगे. क्या होना चाहिए ऐसे केस में फंक्शन ऑब्जर्व कर लेते हैं. ऐसे केस में फंक्शन क्या क्या होल्ड करेगा ये ऑब्जर्व कर लेते हैं. जीरो पे वन होल्ड करेगा और एक्स ग्रेटर देन जीरो होने पर इसकी वैल्यूज कम हो रही है वन से, लेस देन वन आप देख सकते हो और ग्रेटर देन लेस देन जीरो होने पे वैल्यू के लिए आप क्या बोल सकते हो, ग्रेटर देन. इसी तरीके से हम यहाँ पे a की जगह 1 बाय 2 रिप्लेस करें तो 1 बाय 2 की पावर x भी जीरो पे तो 1 ही होगा. फर्दर इसका इंक्रीमेंटेशन 1 बाय 2 की पावर ज्यादा वैल्यू रखेगा या 1 बाय 4 की पावर बताओ. 1 by 2 की पावर ज्यादा वैल्यू रखेगा या 1 by 4 की पावर सम? 1 by 2 की पावर भी हम लेंगे तो ज्यादा वैल्यू रखेगा. ज्यादा वैल्यू रखेगा मतलब थोड़ा ऊपर होगा और ज्यादा यदि हम बात करते हैं 1 by 4 की तो वो थोड़ा नीचे. यदि हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में इंक्रीमेंटेशन करें तो क्या होगा, ग्राफ में ऊपर ये y की तरफ शिफ्ट होगा
और नीचे ये एक्स की तरफ से, ठीक है, आप ड्रॉ करके समझ सकते हैं। हम लोग यदि ऐसे फंक्शन के डोमेन की बात करें तो आप देख पाओगे एंटायर रियल नंबर इसका डोमेन हो सकता है, कोई भी एक्स की वैल्यू लेना पॉसिबल है, लेकिन रेंज आप देख पाओगे जीरो से इनफाइनाइट के बीच में ही है, और जीरो के बारे में हम श्योर नहीं है कहाँ जाके जीरो होगा। इस केस में ग्राफ कैसा बनना चाहिए? इस केस में आप एग्जांपल ले सकते हो 2 की पावर एक्स, 3 टू दी पावर एक्स, ई टू दी पावर एक्स, ऐसे केस में भी हम ग्राफ बनाते हैं। एक्स बढ़ने से वैल्यू बढ़ेगी फंक्शन में, आप बोलो 2 की पावर 1 2 होगा, 2 की पावर 2 4 होगा, तो ये ग्राफ ऐसा जाएगा। यहाँ पे भी आपसे बोला जाए 2 की पावर एक्स बड़ा होगा या 3 की पावर एक्स, ये डिपेंड करेगा, डिपेंड करेगा ऑब्वियसली, यदि अपन माइनस साइन है तो कौन बड़ा होगा, 2 टू दी पावर एक्स या 3 टू दी पावर एक्स, माइनस साइन में 2 टू दी पावर एक्स बड़ा होगा, मतलब 3 टू दी पावर एक्स छोटी वैल्यू रखते, लेकिन पॉजिटिव साइड तो 3 टू दी पावर एक्स बड़ा होगा। इस तरीके का ग्राफ आपको मिलेगा यदि आप a को बढ़ाते जाए, यदि मैं इस ग्राफ को 2 टू दी पावर x बोलता हूँ तो ये 3 टू दी पावर x है, 4 टू दी पावर x की बात की जाए तो और ये नीचे से जाएगा और ऊपर जाएगा, तो कोई भी आप a टू दी पावर x का ग्राफ बनाए जहां पे a ग्रेटर देन 1 है तो आपको ये फॉर्मेट मिलने वाला है, और यदि आप a टू दी पावर x का ग्राफ बनाए जहाँ पे a 0 से 1 के बीच में लाइन करता है तो आपको ये फॉर्मेट मिलेगा। इन बोथ ऑफ द केसेस डोमेन एंटायर रियल नंबर होगा और रेंज 0 से इनफाइनाइट के बीच में ही लाया जाएगा, दोनों में ही सेम कंडीशंस आपको मिलेंगी डोमेन और रेंज के लिए, कोई डाउट है तो आप पूछो। तो आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं इस फंक्शन को, f सच दैट r मैप्स टू r, fx इज डिफाइंड एज a टू दी पावर x। अब एक और डेफिनेशन आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी, यदि आप इस फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं तो आपको इंक्लूड करना पड़ेगा a ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, इसे आप डिफाइन कर रहे हैं तो a ग्रेटर, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन जरूरी नहीं है कि पावर x ही हो, a की पावर 2x हो सकता है, a की पावर समथिंग हो सकता है, a की पावर एक फंक्शन हो सकता है, तो ऐसे केसेस में आपको इस कॉन्सेप्ट्स की जरूरत पड़ेगी कि एक्चुअल में एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन रेंज क्या है, उसी की इक्विवेलेंट हम वर्क करेंगे। नेक्स्ट फंक्शन हम कंसीडर करने वाले हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। Logarithmic function or log function. Log function के लिए भी हम लोगों को दो केसेस बनाना होगा। एक्चुअल में log function इस function का x के about mirror image होगा, y के about नहीं, x के about। इस केस में भी हम consider करेंगे पहला केस जब function y या फिर fx log बेस ए एक्स है या फिर फंक्शन वाई log बेस ए एक्स है, फिर अंतर किस चीज का है, ऑब्वियसली बेस का है, यहाँ पे हमने बेस अज्यूम किया है 0 टू 1 और यहाँ पे हमने बेस अज्यूम किया है 3 टू 1। हम सबको पता है बेस कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, और x कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, ये डेफिनेशन है जो आपको याद रखना होगा, एंड इट इज गोइंग टू हेल्प यू ड्यूरिंग डोमेन एंड रेंज कैलकुलेशन। इस फंक्शन को आपको ड्रॉ करना है तो सबसे पहले तो हम ये बात समझ लें कि लॉग की वैल्यू कभी भी क्या नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव तो होता है लॉग,
लॉग की वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, हम इस पे नहीं जाएंगे। बेस जीरो वन नहीं होना चाहिए, एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, इस पे जाएंगे। यदि एक्स जीरो है तो फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा, एक्स जीरो पे इनफाइनाइट को टेंस करेगा, हम ऐसा बोल सकते हैं। अब या तो ऊपर टेंस कर सकता है या नीचे। लॉग वन पे जीरो होगा, ये बात भी श्योर है, इतना हम श्योर है। अब ए की वैल्यू जीरो से वन के बीच में लाई कर रही है, तो ऐसे केस में क्या होता है वो हमें समझना है। एक्चुअल में बेस यदि हमारा जीरो से वन के बीच में लाई करता है, मतलब बेस हमारा हाफ है, वन बाय फोर है, जैसे मैं आपसे जानना चाहूं लॉग हाफ टू, या मैं जानना चाहूं लॉग हाफ थ्री, हाफ थ्री। तो इस केस में बच्चों लॉग टू लॉग थ्री में कौन बड़ा होगा, और बेस हम इंक्रीज कर लें, सपोज बेस टेन ले लें और लॉग टू और लॉग थ्री जानना चाहिए। तो हम सबको बताया है बेस टेन पे लॉग टू की वैल्यू 1.4 पर, तो अब समझ में हमें आ चुका है कि इस केस में ग्राफ कैसा बनना चाहिए। ऐसा बनना चाहिए कि log 2 छोटा हो, log 3 ज्यादा हो। लेकिन ये बात श्योर है कि इनफाइनाइट मिलेगा जीरो पे, या ऊपर या नीचे, और इसके बाद भी इंक्रीमेंट होगा। हाँ, यहाँ भी श्योर है हम कि इनफाइनाइट मिलेगा जीरो पे, यहाँ वन मिलेगा। अब यदि हम log 2 पे छोटा रखना चाहें, log 3 पे ज्यादा रखना चाहें, तो सीधी सी बात है ग्राफ कुछ ऐसा होना चाहिए। यहाँ पे ग्राफ मिलेगा आपको, बहुत धीरे धीरे इंक्रीमेंटेशन होता है, इट इंक्रीजेस इट्स वैल्यू, इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन, लेकिन बहुत धीरे धीरे इंक्रीमेंटेशन होता है। लॉग की वैल्यू हाँ माइनस में हो सकता है, लॉग जीरो से वन के बीच लॉग की वैल्यू माइनस में हो सकती है। ये किस केस में हमने ग्राफ बनाया है, बेस ग्रेटर देन वन के लिए ग्राफ बनाया है। और इसी तरीके से यहां आप समझ गए होंगे जीरो पे तो इनफाइनाइट ही टेंस करना है, तो इस तरीके से आपको ग्राफ मिलेगा जहां पे लॉग टू को आप क्या बोलोगे, लेस एज कंपेयर टू, लेस या ग्रेटर, ऑब्वियसली नेगेटिव ग्रेटर बोलोगे आप, ग्रेटर एज कंपेयर टू लॉग थ्री। इस तरीके से हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। फिलहाल आप वैल्यूज निकालते हुए भी ग्राफ बना सकते हो। आप यहाँ पे ध्यान दो, ये क्या है 2 टू द पावर माइनस 1 बाय 2, एंड ये क्या है 2 टू द पावर माइनस 1 बेस में और 3। हम सब जानते हैं बेस को हम बाहर कर सकते हैं 1 डिवाइड में व्हाट एवर पावर यू है, यहाँ पे 1 डिवाइड में माइनस 1 आएगा, मतलब माइनस 12 आएगा, और बेस 2 है तो सीधी सी बात है ये 1 हो जाएगा, लेकिन अपन किसी और बेस को भी वैल्यू कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये क्या होना चाहिए, माइनस 12 लॉग बेस 2 पर 3। लॉग बेस 2 पर हमें यहाँ माइनस 1 मिलेगा, और लॉग बेस 2 पर हम इंक्रीमेंटेशन करेंगे तो ये इंक्रीज होके मिलेगा, लेकिन माइनस में, माइनस में इंक्रीज होके मिलना मतलब डिक्रीज होगा, इसीलिए ऐसा मैंने बोला कि लॉग 2 जीरो से 1 बेस पर बड़ा होता है। तो ये दो ग्राफ्स आपको मिलेंगे। डोमेन रेंज के बारे में आप क्या बोलोगे, व्हाट इज डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, क्या इंटायर एक्स हम ले पा रहे हैं, नहीं हम तो जीरो भी नहीं ले पा रहे हैं, हम जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक की सभी वैल्यूज ले पा रहे हैं। जीरो को हम ओपन इंटरवल में रखेंगे क्योंकि जीरो डिफाइन नहीं होगा, ये डोमेन होना चाहिए। व्हाट अबाउट रेंज, रेंज के बारे में क्या बोलोगे, क्या सभी वैल्यूज अलाउड है,
entire real values NVIDIA. इसके डोमेन रेंज के बारे में भी कुछ ऐसा बोलना होगा हमें, कोई चेंज हम करके, कोई चेंज नहीं होगा, सेम तरीके से हम डोमेन रेंज की बात करेंगे। नेक्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे हम रेसिप्रोकल फंक्शन कंसीडर करेंगे। रेसिप्रोकल फंक्शन एक्चुअल में रेशनल फंक्शन है और पर्टिकुलरली हम लोग 1 डिवाइड बाय x को रेसिप्रोकल फंक्शन बोलते हैं। ये डिफाइन हो सकता है रियल नंबर से रियल नंबर में, हाँ हो सकता है, बस जीरो को हमें कंसीडर नहीं करना चाहिए डोमेन में, क्योंकि जीरो कंसीडर करने से ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसके ग्राफ को एनालाइज करते हैं, यदि आप इसका ग्राफ बनाना चाहो तो सबसे पहले जीरो पे क्या होगा, ये डिफाइन नहीं होगा, मतलब इनफाइनाइट को टेंस करेगा या तो नीचे या तो ऊपर। वन पे कैसा होगा ये, वन, तो ये वन पे आप वन पे आ जाओ, वन से पहले, वन से पहले क्या करेगा, सपोज आपने वन बाय टू लिया, ये टू रखेगा, वन बाय फाइव लिया, फाइव रखेगा, बहुत ज्यादा ये डिक्रीमेंटेशन करेगा, क्विक डिक्रीमेंटेशन करेगा। एक्चुअल में वन बाय टेन भी है, टेन है, और ये आपने थोड़ा सा इंक्रीमेंट किया, थोड़ा सा और इसको चेंज किया, वन बाय फाइव किया, ये तुरंत फाइव हो जाएगा, बहुत ज्यादा डिक्रीमेंटेशन होगा जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे। आगे बढ़ना मतलब पहले, सबसे पहले आपको हाफ मिलेगा, हाफ पे आपको कौन सी वैल्यू मिलेगी, टू, और उससे पीछे फिर आप जाओगे तो आपको वन बाय टेन, वन बाय फोर ये सब मिलेंगे। तो इसका इसको हम ऐसा बना सकते, और लास्ट में ये पहले तो बहुत जल्दी घटेगा, लेकिन लास्ट में इसका घटना बहुत रेट जो होगा डिक्रीमेंटेशन का बहुत स्लो हो जाएगा। सिमिलरली यहां आप ऑब्जर्व करते हैं ये इनफाइनाइट पॉइंट है, इधर ऑब्जर्व करते हैं नेगेटिव साइड, यदि आप माइनस में जाओगे तो इनफाइनाइट पे, तो इसको जीरो पे तो इसको इनफाइनाइट होना है, तो आप यहाँ टेंस कराओगे तो ये ग्राफ ऐसा होगा। यदि आप ऐसे नहीं बना पाते हो तो कुछ वैल्यूज लेके भी आप प्लॉट कर सकते हो। यहाँ पे हम डोमेन की बात करें तो ऑब्वियसली एंटायर रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, वी कांट डिफाइन फंक्शन इन जीरो, और रेंज तो हम एज्यूम करेंगे वाई, एक्स इज इक्वल टू वन बाय वाई आ जाएगा, फिर हम वही बोल सकते हैं कि वाई हमारा जीरो, रेंज आप ऐसा भी मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है हमारे पास मॉड एक्स, और ये एक ऐसा फंक्शन है जो हमेशा प्लस एक्स बना रहता है, और इसीलिए हम जब भी इसे लेस देन जीरो के लिए डिफाइन करते हैं तो माइनस एक्स से डिफाइन करते हैं। लेस देन जीरो में आप कोई भी वैल्यू चूज करो, माइनस टू चूज किया आपने, अब x की जगह रख दो माइनस टू, तो आपको क्या रखना होगा, माइनस माइनस टू, आपको प्लस टू मिलेगा। और यदि आप ग्रेटर देन जीरो में कोई वैल्यू लेते हैं तो नो प्रॉब्लम है, आप उसको x से डिफाइन करें, सपोज आपने थ्री का मॉड लेने का लेना चाह, थ्री मिलेगा, उस केस में आपको इस फंक्शन को रख देना, तो मॉड ऑफ एनी वैल्यू मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव गोइंग टू पॉजिटिव। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यूटिलाइज करें तो हम इसका ग्राफ बना सकते हैं, आप वन का मॉड लो या टू का मॉड लो, आपको पॉजिटिव ही मिलना है। हाँ ये बोलना चाह रहा हूँ, यदि आप वन का मॉड लो या माइनस वन का मॉड लो, आपको वन ही मिलना है, टू करो या माइनस टू करो टू ही मिल रहा है। तो यहाँ से ये भी समझ में आता है कि वन पे ये वन होगा, टू पे ये टू होगा, साथ ही साथ माइनस वन पे ये वन होगा। तो हमने आइडेंटिटी फंक्शन पढ़ लिया है, जीरो से इनफाइनाइट में ये आइडेंटिटी फंक्शन की तरह भी है, ये
आइडेंटिटी फंक्शन को हम इंटायर डोमेन में ना रखें, केवल जीरो से इनफाइनाइट डोमेन में हम प्लॉट करें कि आइडेंटिटी फंक्शन की तरह क्रिएट किया जाएगा। इसी फंक्शन का आप इसके अबाउट इमेज ले लो तो आपको मिल जाएगा। इसको मैंने कहाँ बनाया है, इंटायर डोमेन में बनाया है। कई बार प्रॉब्लम्स होता है कि आप इसको केवल फोर से फोर में बनाए, तो फिर आप इसको ऐसा एरो से ना शो करें, आप उसको कंटेल करें, रोक दें। इट डिपेंड्स, सपोज आपसे बोला गया कि आप केवल थ्री तक बनाए, उसको रोक दें। तो डिपेंड करेगा कि आपसे क्या पूछा गया। इंटायर डोमेन में हम इसको ऑब्वियसली ऐसा करेंगे क्योंकि तो आगे जाएगा। क्या डोमेन होना चाहिए इस फंक्शन के लिए? Entire real number और range zero is there, zero होगा, zero to infinity, closing interval है zero। इस तरीके से हम modulus function define कर सकते हैं। modulus function से related कुछ rules आपको बताना चाहिए। यदि किन्हीं दो values का आप modulus ले रहे हो तो आप अलग अलग इनका modulus लेकर भी इन्हें कर सकते हो। माइनस है तो माइनस साइन करेगा। यदि हम माइनस हाफ मॉड एक्स लेना चाहें तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। यदि आप माइनस हाफ मॉड एक्स डिफाइन करते हो तो ये फंक्शन इसका डोमेन तो वही होगा रियल नंबर, लेकिन रेंज इसका जस्ट जो लेफ्ट था वो हो जाएगा आर माइनस रेंज ऑफ ओरिजिनल मॉड एक्स। इस तरीके से हम माइनस मॉड एक्स डिफाइन कर सकते हैं। हम सिफ्टेड वर्जन भी बना सकते हैं। ये आपसे बोला जाए मॉड एक्स माइनस टू बना तो आप इसको टू तक ले जाएं और ऐसा करें। एक्चुअल में अब क्या डिफाइन होगा ये फंक्शन? अब ये डिफाइन होगा माइनस ऑफ एक्स माइनस टू फॉर एक्स लेस देन टू, एंड ये डिफाइन होगा एक्स माइनस टू फॉर, इट इज सिफ्टेड वर्जन ऑफ द मॉडुलस फंक्शन। इस तरीके से हम सिफ्टेड वर्जन बना सकते हैं और माइनस ऑफ शिफ्टेड वर्जन या माइनस ऑफ मॉडुलस फंक्शन भी बना सकते हैं। सिग्नम फंक्शन एक जनरल फंक्शन है। कई बार इसको हम एस जी एन ऑफ एक्स जी से भी डिनोट करते हैं, तो चलो इसी नाम से कर देता हूँ। ये फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसे हम जीरो बोलेंगे। कहाँ पे? जीरो। और यदि जीरो पे हम वर्क नहीं कर रहे हैं तो इसको हम मॉड एक्स डिवाइड बाय एक्स। क्या समझ में आया होगा कि मॉड एक्स डिवाइड बाय एक्स आप यदि लेस देन जीरो के लिए निकालते हो तो आप इसे क्या लिखोगे? मॉड एक्स माइनस एक्स, तभी वो प्लस में लिख पाएगा। मतलब माइनस एक्स डिवाइड बाय एक्स माइनस वन मिलेगा। जीरो पे तो आपको पता है जीरो। सपोज आप एक्स ग्रेटर देन जीरो लेते हो तो क्या मिलना चाहिए आपको? कई बार हम मॉडुलस x डिवाइड बाय x के फॉर्म में भी सिग्नम फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो सिग्नम फंक्शन मॉडुलस फंक्शन और रेसिप्रोकल फंक्शन को कॉम्बिनेशन से चलो प्रोडक्ट करके लगाए। तो हम मॉडुलस फंक्शन को और रेसिप्रोकल फंक्शन को मल्टीप्लाई करें तो हमें सिग्नम फंक्शन मिलेगा। फिलहाल उतना ज़्यादा टास्क नहीं करना है हमें। मल्टीप्लाई करोगे तो भी वो वैल्यूज वन 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 ही देंगे। कहाँ पे वन देंगे? जब भी आप पॉजिटिव पे वर्क करते हो सभी पॉजिटिव एक्स के लिए आपको वन मिलेगा। फोर पे सिग्नम फंक्शन क्या होगा? फोर पॉइंट फाइव पे, जीरो पे, जीरो पे जीरो होता है, बाकी जीरो से आगे हर जगह वन। तो जीरो पे आप इसको जीरो बना दो डॉट, और ये सपोज वन है तो जीरो पे ये वन नहीं होता है, इसलिए इसको हम यहाँ पे होल से इंडिकेट करेंगे।
लेकिन यदि आप 0 से आगे कहीं भी जाते हो तो आपको केवल 1 ही मिलना है इस फंक्शन में, तो 1 पे भी ये 1 होगा, 2 पे भी ये 1 होगा और आगे हर जगह ये 1 होगा। सिमिलरली ये 0 पे -1 भी नहीं हो सकता, लेकिन 0 से लेफ्ट में आप कहीं भी जाओ आपको -1 ही मिलेगा। तो ये होल इंडिकेट करता है कि 0 पे ये -1 नहीं होगा या 0 पे ये 1 नहीं होगा, और कहीं भी हम जाते हैं लेफ्ट साइड -1 पे -2 पे वी आर गोइंग टू गेट -1। तो ये केवल 3 वैल्यूज रखता है, मतलब इसका रेंज केवल 3 वैल्यूज को डिफाइन करेगा। डोमेन हम एंटायर एक्स के लिए इसको डिफाइन कर सकते हैं, डोमेन रियल नंबर होगा, जबकि रेंज केवल वो वैल्यूज होंगी जहां पे ये फंक्शन वैल्यूज रखेगा डिफाइन होगा। ऑब्वियसली ऊपर नहीं जा सकता, नीचे नहीं जा सकता, यहाँ पे ही रह सकता है, और वो भी इन वैल्यूज को भी होल्ड नहीं कर सकता, केवल 3 वैल्यूज होल्ड कर सकता है, -1, 0 एंड 1। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि f सच दैट r मैप्स टू -1, 0, 1। या कई बार यदि r मैप्स टू r भी बोला जाए तो डजंट मैटर, क्योंकि स्टार्टिंग वाला आर डोमेन रिप्रेजेंट कर रहा है, नेक्स्ट आर को डोमेन रिप्रेजेंट कर रहा है, सच दैट या फिर वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स डिवाइड बाय एक्स फॉर ऑल एक्स ग्रेटर एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 फॉर एक्स इज इक्वल टू। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को इस सिंबल से डिनोट करते हैं। कुछ बुक्स में ऐसा सिंबल भी प्रिफर हो सकता है, बट वी डू प्रिफर दिस, कुछ बुक्स में मिल सकता है, लेकिन हम यही प्रिफर करते हैं। एज द नेम सजेस्ट इंटीजर ये हमेशा इंटीग्रल वैल्यू भी रखता है, और ये छोटी वैल्यू रखता है, इसलिए कई बार इसको फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं, डाउन टू अर्थ है। कैसे? सपोज मैं आपसे जानना चाहूं 4.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो कहां पे लाई कर रहा है 4.5? 4 to 5 के बीच में, तो 4 और 5 के बीच में कौन छोटा है? 4 पे अपने आप को एस्टैब्लिश करेगा, ठीक है, इसीलिए इसको कई बार फ्लोर फंक्शन भी बोला जाता है। यदि मैं आपसे जानना चाहूँ -4.5, तो अगेन आपको ढूंढना होगा कि कहाँ लाई करता है, आप बोलेंगे -4 से -5, फिर आप बोलेंगे छोटा कौन है, -5। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डाउन टू अर्थ, बड़े लोग सिंपल होते हैं, ठीक, तो समझ गए। अब यदि इसको हम बनाते हैं तो बना सकते हैं इसे, कई बार क्या है ही स्टेप फंक्शन है, सीडियो जैसा दिखता है, उसके स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। अभी बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा स्टेप फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले तो आप एक्स वाई एक्सिस बना लें, ठीक है, इस एनालिसिस को हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे। मैं आपसे जानना चाहूँ 0 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो 0 एक अपने आप में इंटीजर है, 0 ही होगा। अब मैं आपसे जानना चाहूँ 0.5 पे, 0
0.9999 पे, तो 1 पे, 1 पे 0 नहीं होगा। मतलब इस लाइन को हम बढ़ा सकते हैं कहाँ तक, बस 1 को आपको हम कंसीडर नहीं करना चाहिए। जब भी आप 0 से 1 के बीच में फंक्शन के बारे में जानना चाहें तो आप कहेंगे 0 से 1 के बीच में ये 0 ही रहेगा, बस 1 पे ये 0 ही होगा। तो फिर 1 पे क्या होगा, 1 पे ये 1 होगा। ठीक है, ये रूल है, बाकी आप याद रखने के लिए हमारे शब्दों पर ध्यान दें। अब 1 में ये 1 है, अब 1 से 2 के बीच में सीधी सी बात है, वही पॉइंट है, ये 1 रखेगा, हाँ 2 पे ये 2 हो जाएगा। अब कई बार प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस एग्जाम में आता है तो पूरे डोमेन में नहीं बोलते, कई बार वो स्पेसिफाई कर देते हैं कि आप -4 से 4 में बनाए, ठीक है हम भी बनाते हैं -4 से 4 में, एंटायर डोमेन में भी वैसे ही बन सकता है। ठीक है, आप बताइए 2 से 3 क्या होना चाहिए, 2 से 3 आप कोई भी वैल्यू चूज करो, 2.1, 2.8, 2.9, 2.999, ये 2 ही होगा। ठीक है, तो सपोज ये 1 है, 2 वैल्यू आप यहाँ मान लें, तो ये 2 पे 2 होगा, और 2 से 3 के बीच हर जगह 2 होगा, 3 पे लेकिन ये 3 होगा, और 3 से 4 के बीच हर जगह ये 3 ही होगा, और फिर प्रॉब्लम 4 पे आएगी, 4 पे ये 4 होगा। आगे भी आप ऐसे ही बना सकते हैं, मैंने कहीं पे डॉट इंडिकेट किया है तो उसका मतलब है 1 पे ये 1 है, मैंने होल इंडिकेट किया है मतलब 2 पे ये 1 नहीं है। इसी तरीके से हम नीचे स्टेप ले जाएंगे, आपको लगेगा कि आप सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, इसलिए इसको स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। अब हम वर्क करते हैं -1 से 0 के बीच, तो -1 पे भी कुछ होना चाहिए, -1 पे ये -1 ही होता है, और -1 से 0 के बीच में ये -1 ही होता है, याद रखें 0 पे ये 0 होता है। मतलब ये यहाँ पे होल इंडिकेट करेगा। फिर मैं आपसे जानना चाहूँ -2 से -1 के बीच में क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ये -2 से -1 के बीच में -2 होना चाहिए, -2 पे ये -2 ही होगा। ऐसे ही मैं आपसे जानना चाहूँ -3 से -2 के बीच में ये क्या होगा, तो आप बोलेंगे क्या बोलेंगे, -3। वैसे मैं जानना चाहूँ कि -4 से -3 के बीच में क्या होगा, तो आप समझ पा रहे हैं कि नहीं है, और आगे भी आप बना सकते हैं, बाकी आप बनाने की जरूरत नहीं, आप डॉट डॉट लगाना चाहे लगा लें, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने -4 से 4 के बीच में बनाया, कई बार प्रॉब्लम मेंशन होता है कि आप -3 से 3 में बनाए, -2 से 2 में बनाए, या -4 से 4 में बनाए, या फिर सिर्फ बनाए, सिर्फ बनाए में आप जितना चाहें उतना बना सकते हैं, और पिक्चर में आपके बनाने का मतलब होगा कि आप पूरे डोमेन में वैसा बनाना चाहेंगे। डोमेन ऑफ फंक्शन यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे, हर एक्स के लिए एक फंक्शन डिफाइन है, किसी एक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई भी एक्स बताओ मुझे, आप जानना चाहो 7.2, ऑब्वियसली 7 होता है, आप जानना चाहो -7.2, -8 होता है, ये हर जगह डिफाइन है, आप रियल नंबर, हाँ लेकिन क्या डिफाइन है रियल नंबर पे, ये बात आपको समझना होगा, रियल नंबर पे रियल नहीं डिफाइन है, रियल नंबर पे केवल इंटीजर डिफाइन है, इट कांट होल्ड 1.2 एनीवेयर। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँ कि व्हाट इज दैट एक्स एट विच इट बिकम्स 1.2, तो आप बोलोगे देयर इज नो सच एक्स। ठीक,
तो फिर क्या होना चाहिए? तो ऐसा तो है नहीं कि 1.2 के लिए कोई x नहीं है, टू रिमेंबर। वैसे तो हर जगह x की वैल्यूज हैं जहाँ पे फंक्शन कुछ ना कुछ है, लेकिन याद रखो 1.2 के लिए यदि आप इंसिस्ट करो कि सर इस जगह पे आप बताओ x, क्या इंसिस्ट करो? ये इंसिस्ट नहीं, ये इंसिस्ट तुम करोगे तो मैं बता दूंगा आंसर। क्या आंसर बताऊंगा यदि आप ये इंसिस्ट करते हो कि सर y की वैल्यू 1.2 है, तो x क्या होगा? तो बता पाऊंगा मैं? क्यों दिख रहा है कुछ आपको? क्यों कुछ दिखी नहीं ना? देखो खाली पूरा पूरा दिख रहा है क्या? लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँ 1.5 पे तो भी खाली पड़ा, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँ 1 पे पूरा भरा है बेटा, लेकिन ये कितना है? 1 ही है। इसी तरीके से 2 पे भी ये डिफाइन है, मतलब केवल इंटीजर्स पे डिफाइन है, केवल इंटीजर्स पे, मतलब कुछ भी करके हमें इंटीजर बोलना है। क्या बोल दें कि इंटीजर आ जाए? जेड बोल दें इंटीजर, मतलब रेंज क्या होगा? केवल इंटीजर रेंज होगा। हाँ, कौन से नंबर का फंक्शन था बेटा? 12th नंबर का था सर, ठीक है। एक और फंक्शन होता है हमारे पास इसी तरीके का, पर वो थोड़ा स्मॉलेस्ट, बिहेवियर रखता है, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन का मीडियम हम लोग ये रिप्रेजेंटेशन हम इसमें यूज करेंगे। और यदि मैं आपसे जानना चाहूं कि 4.5 के लिए स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या होगा और -4.5 के लिए क्या होगा, तो फिर बेटा आप समझदार हो। ओके, समझ गए होगे आप। ये डाउन टू अर्थ नहीं है, सीलिंग पे चढ़ना चाहता है, इसीलिए इसको सीलिंग फंक्शन भी बोलते हैं। और अब इसलिए भी स्टेप फंक्शन है, अभी बनाएंगे समझ में आएगा। तो इस फंक्शन को सीलिंग फंक्शन भी बोलते हैं और ये स्टेप फंक्शन है, दोनों फंक्शन स्टेप फंक्शन है। दोनों फंक्शन को देख के लगता है कि हम सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। हाँ, इसमें क्या होता है देखते हैं। इस बार मैं -2 से 2 में बनाता हूँ फंक्शन। सबसे पहले मैं 0 से 1 के बीच ये फंक्शन बनाना चाहूंगा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ 0.5 का स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या बोलेंगे। ग्रेटर वैल्यू बोलेंगे तो 0 पे क्या बोलेंगे? 0 पे आप 0 बोलेंगे, मतलब 0 पे आप 1 नहीं बोलेंगे, यही मतलब होगा। यहाँ आप फोल्ड करें, और 1 पे आप 1 बोलेंगे, कुछ ऐसा करेंगे। एम आई राइट? यदि आपसे पूछा जाए 0.5 पे, 0.2 पे, 1 बोलेंगे। चलो 1 से 2 में देखते हैं क्या बोला बोलना होगा हमें। 1 पे आप 0 नहीं बोलेंगे, मतलब 1 पे आप 1 बोलेंगे, इसलिए 1 पे हमने 2 नहीं बोला। लेकिन 1 ऑनवर्ड हर जगह हम 2 बोलेंगे फंक्शन। अगेन 2 पे हमें इसको 2 बोलना है, तो 2 पे क्या होना चाहिए? डार्क होना चाहिए। ये फंक्शन 0 से 2 में मैंने ऐसा प्लॉट किया, अभी भी देख लेते हैं, पीछे भी देख लेते हैं कैसा होगा। अब हम इसको विजुअलाइज करेंगे -1 से 0 में। -1 से 0 में कैसा होगा स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन? 0 होगा। लेकिन -1 पे ये क्या होगा? -1 पे ये क्या होगा? -1 पे ये -1 ही होगा। और -1 से -2 के बीच आप कहीं भी जाओ, ये -1 ही होगा। और आप आगे भी कर सकते हो, पीछे भी कर सकते हो प्लॉट, ठीक है।
तो इस तरीके से दिखता है एम स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। यहाँ भी डोमेन सेम है आर के बराबर और रेंज यहाँ भी इंटीजर ही होगा, थोड़ा सा डिफरेंस है जो आप समझ गए होंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हम छोटी वैल्यू लेते हैं दो इंटीजर्स के बीच में लाई करने वाली, दो इंटीजर के बीच में लाई करने वाली कोई वैल्यू ली उसका आप ग्रेटेस्ट इंटीजर ले रहे हो तो आप छोटा इंटीजर लोगे जिनके बीच में लाई कर रहा है, जबकि स्मॉलेस्ट लिए आप बड़ा इंटीजर लोगे जिनके बीच में लाई कर रहा है। 4.5 से भी बड़ा इंटीजर क्या है, 4 और 5 के बीच लाई कर रहा है, कौन बड़ा है? 5। तो स्मॉलेस्ट इंटीजर के फंक्शन के लिए हमने 5 लिया और इस केस में कौन बड़ा है? -4। ठीक है, उल्टा होता है, समझ पाओगे आप? तो ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग फंक्शंस ऐसे, स्मॉलेस्ट इंटीजर ड्रॉ कर सकते हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ड्रॉ कर सकते हो। एक और फंक्शन होता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की वैल्यू आज तक 1 से बड़ी ना हुई, 0 से छोटी ना हुई, मतलब क्या हुआ? 0 से